ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, तीसरी लहर की दस्तक, जिला प्रशासन सतर्क। चित्तौड़गढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला राज्य के महिला एवं बाल चिकित्सालय में लूथरा समूह के सहयोग से CSR माध्यम से बने मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आज उद्घाटन किया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिले के दोनों ही प्रमुख जिला राज्य के सावलिया जी अस्पताल और महिला एवं बाल चिकित्सालय में मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए CSR माध्यम से गुजरात की गेमपिल लूथरा ग्रुप के सहयोग से करीब 34 लाख रुपए की लागत से मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन आज जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और यूनिट हेड भूपेश गुप्ता की उपस्थिति में किया। जानकारी देते हुए कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कहा, कोरोना की पहली दो लहर से प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास किए, जिसका उद्घाटन आज किया। दो और ऑक्सीजन प्लांट के कार्य निर्माणाधीन हैं, जो कि जल्द ही पूरे हो जाएंगे। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। इसके लिए हमने ग्रीन जीन एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को रिक्वेस्ट की थी। मूलतः तो वो मेरे से मिलने किसी और काम आए थे, पर मैंने उनको सुझाव दिया कि हमारे यहाँ इसकी जरूरत है और ये ज़्यादा आपके लिए उपयोगी जनसहयोग होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ ग्रीन जीन एनवायरो को कि जिन्होंने जनसहयोग से ये अस्पताल की महिला एम शिशु विंग में 35 सिलेंडर प्रतिदिन का ये प्लांट अपने खुद की सहयोग से स्थापित किया है। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा और किसी भी इमरजेंसी में हम इसका उपयोग हम कर पाएंगे। इसके साथ साथ हम अन्य भी ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये बन के आया है तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा।